तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करने वाले मदर सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो मैं स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आज, क्योंकि अगर आप देखें तो 200 से इसके अंदर 1% के लगभग गिरावट देखने को मिली है साफ। तो जो इतनी बड़ी गिरावट है, इसको आप एक बड़ा मूवमेंट मान सकते हैं स्टॉक के अंदर। और बात कर ले इसके ऊपर, अभी कोई लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं है, फिर भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है स्टॉक से। अब क्यों मिलता है वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब जाके चैनल को फाइनली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर हम देखें स्टॉक के ऊपर, तो जो ये गिरावट है आज के दिन की नहीं है, इससे पहले भी एक गिरावट देखने को मिली है। बात करूँ पिछले 5 दिन में 9% स्टॉक है, अकेला स्टॉक नहीं है, ऐसे खूब सारे स्टॉक है, जैसे आप टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। बड़ी गिरावट इन स्टॉक्स में भी आई है, क्योंकि इनमें आप देखिए पॉजिटिव न्यूज़ भी रही है टाटा में तो, लेकिन फिर भी गिरावट का सिलसिला चलता रहा। अगर बात कर ले इसकी महीने भर की, तो आपको महीने भर में ही टाटा मोटर्स की तरह गिरा हुआ स्टॉक दिखेगा बहुत ही ज़्यादा। अब ऐसे ही स्टॉक मूवमेंट में आने वाले हैं, क्योंकि ये महीने भर से गिरावट में रहे, 6 महीने से भी टाटा मोटर्स आप इसको कंपैरिजन करें तो बहुत सेम आएगा। तो इसके रिलेटेड आपको टाटा मोटर्स भी देखना चाहिए, उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। और आप देखें, अब टाटा स्टील तो पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन टाटा मोटर्स अभी भी गिरावट में है। और अगर बात कर ले पूरे 1 साल की, जिसके अंदर रिटर्न्स की बात करें, तो इसने भी टाटा मोटर्स की तरह बढ़िया रिटर्न दिए 1 साल के अंदर, लेकिन 6 महीने में न्यूट्रल रहा। बात करें 5 साल में भी सेम टाटा मोटर्स के जैसे, लेकिन मैक्स के अंदर ये टाटा मोटर नहीं, टाटा मोटर्स के ग्रैंडफादर है, मतलब टाटा मोटर्स के शेयर के हिसाब से, क्योंकि जो टाटा मोटर्स 1000 रिटर्न्स भी नहीं दे पाया, ये 1,70,000 के आसपास रिटर्न दे दिया। तो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अगर बात कर ले, देखें आप इसके और आगे तक बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे आपको। ये मैं उसके बारे में नहीं कह रहा था कि टाटा मोटर्स के ग्रैंडसन का है या ग्रैंडफादर का है, लेकिन मैं बता रहा था कि अगर स्टॉक का देखा जाता है कि कितना बड़ा स्टॉक उससे बड़ा स्टॉक होता है, तो जितने टाटा मोटर्स ने रिटर्न दिए उससे अगर गुना किया जाए समथिंग, उतना रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। अगर बात कर ले इसकी, टाटा अब आप मेरे को बोलेंगे है तो ऑटोमोबाइल्स के, इसलिए अगर इसका कंपैरिजन है तो इतना बुरा नहीं होगा। टाटा मोटर्स फुली लिमिटेड शेयर्स के बारे में बात कर ले, तो आपको देखेंगे 3 महीने में दोनों ही गिरावट में रहे, 6 महीने में भी दोनों ही गिरावट में रहे, बात कर ले अगर 1 साल में तो दोनों ही पॉजिटिव में रहे। तो ये मैं कहना चाह रहा था, बात कर ले 5 साल की तो दोनों ही नॉर्मल बिहेवियर रहा है। अगर मैक्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा टाटा थोड़े गिरावट में रहा है, लेकिन मदर सुमी उसके कंपैरिजन में बहुत बढ़िया रहा। तो मैं यही बता रहा था, अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें, टाटा मोटर्स के बढ़िया फाइनेंशियल थे, और सेम कंडीशन इधर भी है, इधर भी बढ़िया फाइनेंशियल प्रोवाइडर है। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद आते हैं ऐसे वीडियो शेयर मार्केट रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।